नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के सिलेबस में शामिल कालिदास की रचना पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योति विदारण के अनुसार ये विक्रमादित्य के नौ रत्नों में एक थे। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये उज्जैन के निवासी थे। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। तो देखिए, ये विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे और ये उज्जैन के निवासी थे, और कालिदास का जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की जो रचनाएँ हैं उनमें पहला है ऋतु संहार, दूसरा कुमार संभव, तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा विक्रमोर्वशीयम, पांचवा मेघदूतम, छठवां रघुवंशम और सातवां अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, पहला ऋतु संहार, दूसरा कुमार संभव, तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर इनके देखिए नाटक हैं तीन। तीन नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें इसे हम ट्रिक से भी देखेंगे। देखिए, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहला पहला वर्ण हम लोग लेंगे तो ये बनेगा अविमा, अविमा। अ से अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से विक्रमोर्वशीयम, मा से मालविकाग्निमित्रम, अविमा। ये इनके तीन नाटक हैं। इसमें देखिए पहले हम मालविकाग्निमित्रम के बारे में जानेंगे। जो ये मालविकाग्निमित्रम है, इस नाटक के पांच अंकों में मालविका एवं अग्निमित्र के प्रणय विवाह का वर्णन है। किसका? मालविका, जैसे नाम से स्पष्ट होता है, मालविका और अग्निमित्रम इनके प्रणय विवाह का वर्णन है। ये पाँच अंकों में है। इसमें कुल 96 श्लोक हैं। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। फिर दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम में यह भी देखिए, मालविकाग्निमित्रम भी पांच अंकों का था और विक्रमोर्वशीयम भी पांच अंकों का एक त्रोटक नाटक है। कालिदास ने इसमें अप्सरा उर्वशी और पुरुर्वा के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। देखिए, नाम से भी स्पष्ट है, विक्रम और उर्वशी, पूर्व, तो इसमें पूर्व पुरुर्वा और उर्वशी के प्रणय विवाह का वर्णन है। पुरुर्वा का अर्थ मेघ है और उर्वशी का अर्थ विद्युत। देखिए, पुरुर्वा का क्या अर्थ है? मेघ, और उर्वशी का अर्थ है विद्युत। 65 श्लोकों में विरचित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 65 श्लोक हैं। मालविकाग्निमित्रम में कितने थे? 96 थे और विक्रमोर्वशीयम में 65 हैं। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास प्रणीत यह अंतिम रचना और नाटक है। देखिए, यह क्या है? अंतिम है और यह नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उपजीव महाभारत का आदि पर्व है। अगर पूछा जाए कि यह महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो यह महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। शकुंतला नाटक में साधारण गद्य के लिए शौर्य सैनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। इसमें 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए, जो शकुंतला नाटक में गद्य का प्रयोग हुआ है वो शौर्य सैनी प्राकृत, और जो पद्य का प्रयोग हुआ है उसमें महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया गया है, और इसमें कुल 24 प्रकार के छंद हैं। टिप्पणी देखिए इसमें क्या की गई है। अभिज्ञान के विषय में विद्वत जनों की प्रशंसात्मक उक्ति इस प्रकार है। उनकी प्रशंसा में क्या कहा गया है? और ये प्रश्न जो है GIC में पिछली बार पूछा गया था कि यह जो उक्ति है वह किससे संबंधित है। तो इसमें देखिए, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तथापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो काव्येषु नाटकम रम्यम इतना पूछा गया था कि यह किस रचना से संबंधित है, किस लेखक से संबंधित है। तो देखिए, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ क्या हैं? पहला है अर्थो ही कन्या परकीय एव, दूसरा न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, तीसरा वामा कुल साधय, चौथा गुणवती कन्या का प्रतिपादनीय, पांचवा अवेह तनयाम ब्रह्मत्र
निगर्भा शमीमीय छठवा दिष्टता धूमा कुलित दृष्टि अपि पावक एवा होते हैं पतिता। सातवा न तादृशा आकृति विशेष गुण विरोधिनी विरोधिनो भवन्ति। आठवा गुर्वपि विरह दुह खमाशाब खमाशाब बंध शाहयति। नवा पीड़यन्ति गृहण कथम तन्या विश्लेष दुह खैर नबे। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में उक्तियाँ हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें से कोई भी लाइन पूछी जा सकती है कि यह किससे संबंधित है या किस रचना से संबंधित है। कालिदास के महाकाव्य देखिए, इनके दो महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। नाटक तीन थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। और महाकाव्य दो हैं कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम में इसमें 17 सर्ग हैं। यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। तो इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। पूछा जा सकता है कालिदास का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कुमार संभवम है। इसमें शिव पार्वती की विवाह की, कार्तिकेय की उत्पत्ति की एवं तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। फिर दूसरा है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो यह हमें याद रखना है कि यह कालिदास का दूसरा महाकाव्य है, इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्निवर्ण तक 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। कितने? 31। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु है। रामकथा 10वीं से 15वें सर्ग तक है। रघुवंश में वर्णित राजा, तो रघुवंश में जो 31 राजाओं का वर्णन है वो इस प्रकार है। पहला मनु, वैवस्वत, दिलीप, रघु, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेम, धनवा, देवनीक, अहिनग, परित्राप, शिल, उन्नाभ, वज्रनाथ, शंखण, व्युषिताख, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रहिण्ट, पुत्र, पुष्प, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण। इनके गीति काव्य देखिए, इनके दो गीति काव्य हैं। अब तक हमने देखा उनके तीन नाटक, दो महाकाव्य। महाकाव्य उनके जो हैं कुमार संभवम और रघुवंशम हैं। अब गीति काव्य भी दो हैं, इनकी कुल 7 रचनाएं हैं और 3 नाटक हो गए, 2 महाकाव्य हो गया और 2 गीति काव्य। पहला ऋतु संहार, दूसरा मेघदूतम। ऋतु संहार इसमें 6 सर्ग तथा 197 श्लोक हैं। यह कालिदास की अप्रौढ़ावस्था की प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतुओं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का वर्णन गीति शैली में किया गया है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, वर्षा, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, और यह गीति शैली में लिखा गया है। फिर दूसरा है मेघदूतम। मेघदूत की कथा पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भागों में है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इसमें 121 श्लोक हैं। इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। मेघदूत में अलकापुरी निवासी यक्ष अपनी वियुक्ता पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। क्या है इसमें? जो अलकापुरी का निवासी यक्ष है वह अपनी पत्नी से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों के द्वारा संदेश भेजता है। इसमें कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। किस छंद का? मंदाक्रांता। इसमें याद रखने वाली बातें जो हैं वो देखिए। पहला, कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। किस रीति के? वैदर्भी रीति के। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके लिए कहा गया है उपमा कालिदास से। इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया है जिसके कारण इन्हें उपमा कालिदास से की उपाधि दी गई है। कालिदास शैव थे। श्रुति बोध नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ कालिदास प्रणीत माना जाता है। एक ग्रंथ है श्रुति बोध जो छंद शास्त्र से संबंधित है, वह कालिदास द्वारा ही रचित माना जाता है। कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? दीप शिखा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीप शिखा की उपाधि किसे दी गई है। छठवां, कालिदास संस्कृत गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। क्या कहा जा रहा है कि कालिदास संस्कृत गीति काव्य परंपरा की प्रथम कवि हैं। कालिदास की प्रशंसा में बाण भट्ट ने लिखा है। पूछा जा सकता है कि कालिदास के संबंध में ये किसने लिखा है।
क्या लिखा गया है, निर्गताशु न वाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजरीष्विश्व जायते। तो यह कालिदास के संबंध में बाणभट्ट ने लिखा है। कालिदास कृत लघुत्रयी के ग्रंथ, तो इनकी तीन रचनाएं जो लघुत्रयी में मानी जाती हैं वो है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। क्या क्या है, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम। तो इसको हम ट्रिक से देखते हैं, मेर को, मेर को, मे से मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ये लघुत्रयी है। इसको आप दो चार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, मेर को, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ये इनके तीन लघुत्रयी ग्रंथ हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।